सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर, दिस इज अंशु एंड विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम कम टू द मेन पॉइंट। बेसिकली अभी आज इंडियन एयरफोर्स का जो रैली भर्ती का फॉर्म अप्लाई होना था भाई, फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा। राजस्थान के कैंडिडेट बोल रहे हैं भाई मेरा नहीं अप्लाई हो रहा, बिहार वाले बोल रहे हैं भाई मेरा नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा जिन जिन के पास मेरे नंबर्स हैं, मिस 2005 लोगों, बहुत लोगों के पास एक दूसरे में जिन जो पहुँच जाते हैं, बहुत कॉल करके पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज पे मैसेज, अंशु भाई प्लीज़ बता दे, अंशु भाई प्लीज़ बता दे कि कब अप्लाई होंगे। तो देखो पहला नंबर भाई बता देता हूँ, जिन जिन कैंडिडेट्स का ऐसा नहीं है कि साइट बंद हो गई, साइट चल रही है, उनकी तरफ से उन्होंने कितना टाइम दिया है, तो 30 आवर का टाइम दिया है। ये टाइम भी बहुत कम होता है, मतलब कि अगर बाई चांस नहीं अप्लाई होता तो क्या, ठीक है। सो चलो किस पे किस टॉपिक पे बात करेंगे, पहला नंबर तो इस पे बात करेंगे कि आपके लिए एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे अभी कुछ पिक्स आपको शो करूँगा जिसमें कैंडिडेट ने कैफे में जाके भी अप्लाई किए हैं, फ़ोन से भी अप्लाई किए हैं, और ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई नहीं हुए। 11:30 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और वहाँ पे शो कर रहा था 11:51 पे 501 फॉर्म फ्रॉम बिहार, ठीक है, 501 फॉर्म फ्रॉम बिहार से फिलअप कर दिए गए थे। सो करता है कि कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके, जैसे राजस्थान, मैं गुजरात का बताता हूँ, तो 22,000 टोटल फॉर्म केवल फिल किए गए थे जो 2 दिन चले थे फॉर्म फिलिंग, लेकिन यहाँ पे कितना चलता है वो यहाँ पे पता चलेगा। चलो बात करते हैं, पहला नंबर तो उन कैंडिडेट्स को बता दो भाई आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। एक फिर से नोटिस है चाहे जो किसी वेबसाइट का है, मुझे वो वेबसाइट नहीं मिली, बट यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ 31 पे, उसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि बिहार के लिए रैली में केवल 10 पोस्ट हैं, राजस्थान के लिए 2 पोस्ट हैं और हरियाणा के लिए 3 पोस्ट हैं। भाई क्यों निकाली रैली, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। कम से कम एक दिन में 10-150 में कम से कम 10 से 15-25 कैंडिडेट तो रिटर्न आराम से निकाल ही रहे हैं इस टाइम पे, लेटेस्ट का जो रैली रिव्यूज चला है उस बेसिस पे, तो आपको उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, मतलब कि वो हटा ही देना। यहाँ पे मैं आपको फोटो शो करूँगा, देखना आप खुद देख लेना, किसी वेबसाइट का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये निगेटिव है, से मैं बोल रहा हूँ उस बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, अभी आगे भैया फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है क्या करूँ। तो देखो जिन जिन कैंडिडेट्स का अप्लाई होना था उनका तो हो रहा है, मतलब जो कर रहा है ट्राई सभी कर रहे हो, आप भी में से बहुत लोग होंगे जो कैफे में बैठे होंगे और ट्राई कर रहे होंगे, और मे बी फ़ोन पे तो बिल्कुल ही ब्लास्ट चली, ओपन तक नहीं हो रही, मतलब 6.5 आवर तक हम रहते हैं फ़ोन, देन जाके कहीं ओपन होता है पहला इंटरफेस, उसके बाद जाके कहीं स्टेट नहीं सिलेक्ट होता, कहीं कुछ भी नहीं सिलेक्ट होता। तो देखो दिक्कत भाई ना लो किसी भी टाइप का, मैं आपको बताता हूँ पहला नंबर करना क्या है। पहला नंबर तो कुछ ना, रात को जब अप्लाई करने के लिए आपको पता है ना कैसे क्या प्रोसेस होता है, कुछ ना चाहिए आपको, अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और आपको केवल एक फ़ोटो, इतना चाहिए और कुछ नहीं। अगर एक बार वेबसाइट चल जाए आप काउंटिंग का वन मिनट में आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि कुछ भी नहीं, आपको हाइट अपनी डालनी है और अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है और कुछ भी, पेरेंट्स वगैरह के बारे में भी कुछ वहाँ पे नहीं लिखना। ये हुआ, अभी भाई कह दो कितने टाइम अप्लाई करें, कब चलेगी वेबसाइट। तो देखो मैं बता दूँ, रात में 10, 11, 12 बजे तक जिन जिन कैंडिडेट्स का हो जाएगा वो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आपका 12 बजे तक या 11 बजे तक आपको ट्राई करने का कोई नीड नहीं है। मैं कहता हूँ आप डेली 10 बजे सोते हो, आज 9 बजे सो जाना, डेली 10 बजे सोते हो आज 9 बजे सो जाना, या 12 बजे सोते हो तो आज 10 बजे सो जाना। क्यों, मैं कहता हूँ सुबह, तो सुबह टाइम 3 बजे के ऑलमोस्ट जग जाना अगर आपका अप्लाई नहीं होता, मतलब सुबह टाइम वेबसाइट से जल्दी ज़्यादा तेज़ चलती है, मैंने नोटिस किया, मैंने खुद वर्क किया इस पे, तो उस बेसिस पे मतलब अगर नाइट में 12-1 बजे तक, क्योंकि नाइट में सभी कैंडिडेट्स ज़्यादा जगते हैं, सिंपल से मैं वीडियोज़ भी डालता हूँ, रात में 1-1 बजे तक अपने जो टेलीग्राम चैट ग्रुप है अंशु सिंह, उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 100 तक रहते हैं एक्टिव, 100-150 एक्टिव। जब मॉर्निंग में आप देखोगे 5 बजे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, तो उस बेसिस पे मेरा एक ओवरऑल सजेशन आप सभी को कि भाई सबके सब अपने लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप हो आप में से सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मॉर्निंग में ट्राई करना, मॉर्निंग में 3-5 बजे। अभी फ़ोन से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर फ़ोन से अप्लाई नहीं होता आपके भाई चांस आपके फ़ोन से अप्लाई नहीं होता तो कल कैफे चले जाना, कल शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम है और आप इजिली कर पाओगे, आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो मेरे पास भी बहुत लोगों ने भेजा और मैंने एक कैंडिडेट का स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, स्टार्टिंग में ही जैसे देखो मैंने अपने जैसे ही मैंने वो किया था, मतलब कि 11:30 बजे मैंने एक वीडियो शूट किया और आपको बता दिया कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बस मेरे पास तब कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन वेबसाइट इतना सिंपल इतना स्मूथ चल रहा था, आई थिंक किसी के पास लिंक ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कहाँ से करना है, मैंने लिंक निकाल रखा था कि कहाँ से अप्लाई किया जाता, जस्ट मैंने वीडियो किया उसके बाद भी कैंडिडेट्स के पास पहुँचा और बताया गया कि हाँ भाई मेरा हो गया। तो देखो टेंशन ना लो भाई कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँ या कैसे, अभी डिमोटिवेट हो रहा हूँ प्लीज़ बता दो, तो टेंशन ना लो। देखो अभी ये एग्ज़ाम आपका होना है तो इसके लिए फॉर्म तो फिल होगा ही, आज अगर अभी अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहे हो तो क्या हुआ, कल अपना कैफे चले जाना, कैफे से हो जाएगा, कैफे वाले डेफिनेटली कर देंगे, अभी आज नहीं चल रहा है वेबसाइट, लेकिन कल कितना भाई कैंडिडेट है
हाँ ये बात जरूर है कि राजस्थान का कैंडिडेट और इधर बिहार से तो थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा निकल के आ जाएंगे, बट हरियाणा पे भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जो एयरफोर्स और नेवी के लिए उनका अलग ही जोश होता है, स्पेशली राजस्थान पे भी। मैं इन दोनों स्टेट्स को जरूर कंक्लूड करूंगा क्योंकि डबल ए का भाई देखते हुए पता चलता है। तो टेंशन किसी भी टाइप का ना रहो, जो डाउट्स बनते हो डेफिनेटली आस्क करो और अपना पढ़ाई भी करते रहो क्योंकि पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ में सारे के सारे टास्क एक ही दिन में आपको हो जाने हैं देन डेफिनेटली। और जो भी दिक्कत बनता है मैं आपके साथ में मतलब मेरे साथ में शेयर करो, अगर मेरे फ़ोन से होता है किसी का अप्लाई तो मैं भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैट्स पे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का वो ले रखा है लाइक उनका पर्सनल डिटेल्स, जिससे अगर फिलअप होगा तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे फिल करना है फुल। वैसे मैं बता चुका हूँ कि कैसे फिल करना है, बट फिर भी कि मैं टेलीग्राम चैनल अपना जो ऑनलाइन एजुकेशन चैट वाला है उसमें ये बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप अभी कैसे फिल हो रहा है। नाइट में 11-2 बजे तक जितने टाइम भी होगा मैं बता दूंगा कि कैसे फिल होना है। और जो ये वैकेंसी वाला वायरल कर रहे थे इसके चक्कर में ना पड़ो भाई, अपने स्टडी पे फोकस रखो, फॉर्म फिल हो ही जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कॉमेंट सेक्शन जिंदाबाद, और मैं तो हूँ ही। सुबह भाई, टेक केयर एवरीवन एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ना आया हो तो डिसलाइक मार देना, एंड अभी लाइक आया था चला गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद ब्रदर।